नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है कन्फ्यूजन ऑफ द कनिंगम। इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम कनिंगम महोदय के परिचय के बारे में जानेंगे और साथ ही देखेंगे कि भारत की सबसे प्राचीन हड़प्पा सभ्यता को लेकर कनिंगम महोदय के दिमाग में क्या कन्फ्यूजन था, जिस वजह से भारतीय सभ्यता को जानने समझने में उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इसी को आज हम विस्तार से समझते हैं। चलिए चलते हैं और अपने टॉपिक को जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अलेक्जेंडर कनिंगम कौन है। देखने को मिलता है कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया के रूप में अलेक्जेंडर कनिंगम को अपॉइंट किया जाता है, जो द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला क्वेश्चन बच्चों IAS से लेकर RAS जैसी कितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा और चलते हैं इस टॉपिक को और बढ़िया तरीके से समझते हैं। कहते हैं एक ब्रिटिश ऑफिसर है जो डायरेक्टर जनरल के रूप में भारत आते हैं। कब आते हैं? मिड 19th सेंचुरी के दौरान। और इनका मेन मकसद रहता है भारतीय सभ्यताओं को और इतिहास को जानने का, जिसमें रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को बेस बनाकर ये भारत के अंदर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसी दौरान एक इंग्लिश व्यक्ति के द्वारा एक हड़प्पन सील दी जाती है, जो इस प्रकार की थी, जो स्टेटाइड स्टोन की बनी हुई थी, जिसमें कुछ पिक्चर्स यहाँ पर दिखाई दे रही है और कुछ साइन थे। ये इस पिक्चर के इम्पोर्टेंस को तो समझते हैं, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन रहता है जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे पहला कन्फ्यूजन था टाइम फ्रेमवर्क को लेकर। ये जो टाइम फ्रेमवर्क था इस सील का, उसको बताने में या एक्सप्लेन करने में अनसक्सेसफुल होते हैं कौन? कनिंगम होते। प्रिडिक्ट रॉन्ग लोकेशन। सो पहला कन्फ्यूजन कनिंगम का ये था कि ये जो लोकेशन है वो गलत प्रेडिक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। कहते हैं बाकी इतिहासकारों की तरह कनिंगम भी ये मान रहे थे कि भारत में जो सभ्यताओं का विकास गंगा घाटी में उत्पन्न हुए शहरों से ही ये भारतीय सभ्यता का विकास मानते हैं। लेकिन जो सील इन्हें मिली थी वो गैंगेटिक बेल्ट की या गंगा घाटी में उत्पन्न हुए शहरों की नहीं थी। वो कौन सी जगह की थी? तो फिर सर वो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील थी। सो इस वजह से जो बाकी इतिहासकारों के मत को कनिंगम महोदय अपना समर्थन दे देते हैं, इस वजह से इसके सिग्निफिकेंस को समझने में असफल रहते हैं। तो इस वजह से ये गलत लोकेशन चूज कर लेते हैं। कौन? कनिंगम महोदय। और दूसरी क्या गलती की है इनके द्वारा? सो वो देखते हैं, क्योंकि अभी तक इनके दिमाग में था 600 BCE। कौन सा? 600 BCE से 400 CE टाइम पीरियड को ये दिमाग में रखे हुए थे। इस वजह से इस टाइम पीरियड को ये जो 600 BCE की वजह से ही इसको लिंक कर रहे थे, लेकिन ये 600 BCE की ना होकर 2600 BCE की थी। तो ये सबसे बड़ा पहला लोकेशन का चेंजेज आया और दूसरा टाइम पीरियड का हमें चेंजेज मिलता है। इसी के साथ देखने को मिलता है कि इस लोकेशन और टाइम पीरियड को मैच कराने के लिए ये चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे, उनके डॉक्यूमेंट्स का सहारा भी लेने लगता है। इसी के दौरान देखने को मिलता है जो 4th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी के बीच में ट्रैवल किए थे, उनके डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और उनको ट्रांसलेट करके इंडियन जो कल्चरल वैल्यू था उसको समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक सबसे बड़ी गलती कर बैठे। जब चाइनीज ट्रेवलर्स का ये रिकॉर्ड उठाते हैं तो ये केवल मिड इंडिया व कुछ साउथ वाले, यहाँ वाले डेक्कन प्लेट्यू या पाटलिपुत्रा वाले क्षेत्रों पर सबसे ज़्यादा ट्रैवल किए हुए थे, ना कि इस वाले क्षेत्र में ट्रैवलर किए थे। तो ये सारी बातें जो कनिंगम ने बताई ये पूर्ण रूप से गलत थी। मीन्स वो ये सारा का सारा काम कनिंगम महोदय के कन्फ्यूजन के कारण हुआ। सो ये वाली चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।